बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला इमरान और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वर्ल्ड बाय अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो फ़ोन मौजूद है ये ओप्पो की एफ सीरीज़ का मोबाइल फ़ोन है, और ओप्पो की जो एफ़ सीरीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सीरीज़ है, और मुझ समेत बहुत सी यूज़र जो है वो अभी तक 2022 के अंदर जो है वो ओप्पो की एफ़ सीरीज़ की डिवाइस पर जो है वो वेट कर रहे थे। तो फाइनली ओप्पो ने जो है वो F21 Pro को जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसकी जो ऑफिशियल प्राइस टैग लगाई गई है वो बेसिकली 52,000 रुपये की रखी गई है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको 48,000 से 49,000 का जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो फीचर्स लगाए गए हैं वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओप्पो की जो एफ़ सीरीज़ है उसके अंदर हमेशा से आपको यूनिक स्पेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिलती हैं, और जो ओवरऑल प्राइस टैग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगाई जाती है। इंस्टीड ऑफ़ ए सीरीज़ यहाँ पर F21 Pro को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, और हमेशा की तरह आपको F21 का जो वेरिएंट होगा वो कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो मेन हाइलाइट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पर आपको मेन हाइलाइट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो मेन सेल्फी कैमरा है यहाँ पर आपको IMX709 के सेंसर के साथ लगाया गया है, जो कि बेसिकली सोनी और ओप्पो ने जो है वो एक कोलैबोरेट करके जो है वो एक सेंसर लॉन्च किया है, जिसके बारे में ओप्पो जो है वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड रहा है। इसके साथ यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का जो है वो बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 33 वॉट का यहाँ पर आपको सुपर वू फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ 4500 mAh की यहाँ पर आपको मेगा बैटरी देखने को मिल रही है। एफ सीरीज़ के अंदर आपको हमेशा से लो बैटरी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लिमनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल बनाई जाती है। यहाँ पर आपको ए सीरीज़ के अंदर हमेशा से बॉक्सी डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि आईफोन से हमेशा से लिंक कर रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर 8GB RAM आपको प्रोवाइड की गई है, और अप टू 5GB RAM जो है वो आप यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 13GB RAM तक जो है वो इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। जो स्टोरेज है वो यहाँ पर आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो बैक साइड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बनाई गई है। जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर लेदर का जो है वो बनाया गया है। जो कलर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर जो स्टिकर है उसको मैं यहाँ सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ। जो डिज़ाइन यहाँ पर निकल कर आता है वो लेदर टाइप का डिज़ाइन है, जो कि इससे पहले आपको हुआवे ने कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड किए हैं, और ओप्पो ने भी आपको एक आधी डिवाइस जो है वो इस डिज़ाइन के अंदर प्रोवाइड की है। नीचे वाली साइड पर जो है वो ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। जो कैमरा सिचुएशन है यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसी के साथ एक डेप्थ सेंसर भी यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ एक LED फ्लैश है। जो कैमरा डिज़ाइन है वो वही ओप्पो की एफ सीरीज़ वाला है। यहाँ पर आपको बॉक्सी डिज़ाइन जो है वो कैमरे के अंदर देखने को मिलता है। जो फ्रंट वाली साइड है वो यहाँ पर आपको एक AMOLED पैनल प्रोवाइड किया गया है, जो कि पंच होल कैमरे के साथ आता है। यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की जो है वो निकल कर आने वाली है। तो इसकी जो प्राइस टैग है वो फीचर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर रखी गई है। जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। इससे पहले जो ओप्पो ने अपनी ए सीरीज़ के अंदर डिवाइस लॉन्च की हैं उसके अंदर जो है वो प्राइसिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है। जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, और एफ सीरीज़ के अंदर आपको हमेशा से एक से बढ़कर एक डिवाइस जो है वो देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो रहने वाला है। तो इस बात उनके हवाले से अपना ओपिनियन मुझसे कमेंट सेक्शन में लाइव शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।